हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए पोंचो बनाना बताऊंगी, कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने 2 कलर्स की ऊन ली है, 7 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है 4 मिलीमीटर का। देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला कलर लेती हूँ, येलो कलर। देखिए, येलो कलर लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। ये मैंने नोट बांध दी है। अब नोट बांधने के बाद मैं चेन बनाऊंगी। देखिए, इसमें मैं 80 चेन बनाऊंगी, 80 चेन इस तरह से बनानी है चेन। देखिए, पूरी चेन इसी तरह से बनानी है। देखिए, मैंने ये पूरी चेन बना ली है, इस तरह से आई है चेन बनकर ये। अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। देखिए, इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए, इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए देखिए, मैं इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से डालना है डबल क्रोशिया को। सबसे पहले 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरी चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया आ रहे हैं। पूरी चेन में डबल क्रोशिया डालकर यहाँ तक कंप्लीट करना है, इसी तरह से डालना है। देखिए, अब मैंने पूरी चेन में डबल क्रोशिया को डाल दिया है। इस तरह से आई है ये डबल क्रोशिया डालने के बाद। देखिए, इस तरह से आ गई है। अब देखिए, मैं इनको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। देखिए, यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह से चेन में को डाला और इस तरह से इसको जोड़ दिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद देखिए, मैं इसको हाफ करूंगी। 40 डबल क्रोशिया इधर रखने हैं और 40 डबल क्रोशिया इधर रखने हैं। तो देखिए, मैं मार्क लगाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने मार्क लगा दिया है, यहाँ। अब 40 गिनने हैं। अब 40 डबल क्रोशिया को काउंट करना है और यहाँ पर मार्क लगाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये मार्क लगा दिया है।
देखिए, अब देखिए एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा पोंचो के, इस तरह से आएगा ये गला बनकर पोंचो का। देखिए इस तरह से ये गला बनकर आएगा, तो 40 इधर रहेंगे डबल क्रोशिया और 40 इधर रहेंगे, 80 है डबल क्रोशिया इसमें, तो इस तरह से ये गला बनकर आएगा। देखिए अब मैं बुनती हूँ, इसमें डिज़ाइन डालती हूँ, इस तरह से डालना है इसमें डिज़ाइन। देखिए 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं यहाँ पर। देखिए 1 चेन लेना है और देखिए 1, 2, 3 चेन को स्किप करना है, 3 चेन को छोड़ देना है और यहाँ पर डालना है वी स्टिच 4th चेन में, इस तरह से 1, 2 की चेन और यहीं पर डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बी स्टिच डाल दिया है, देखिए यहाँ पर। अब फिर देखिए 1, 2, 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन में बी स्टिच डालना है, इस तरह से बी स्टिच डाल देना है 2 की चेन और सेम इसी में डालना है सेम स्टिच। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ पोंचो में, वी स्टिच डालना है और नीचे 3 चेन को स्किप करना है। देखिए 1, 2, 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन में वी स्टिच डालना है, इस तरह से ये डिज़ाइन डालना है 2 की चेन और इसमें ही डालना है। इस तरह से ही वी स्टिच डालते हुए आ रहे हैं, फिर 1, 2, 3 चेन को स्किप करना है, 4th चेन में वी स्टिच बनाना है। देखिए 1, 2, 3 चेन को स्किप करना है और देखिए जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ पर डालूँगी मैं 6 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो 1 चेन लेना है यहाँ पर डालने हैं 6 डबल क्रोशिया, 2, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और ये कि यहाँ पर डाले हैं दोनों जगह। देखिए इसमें कितने भी स्टिच बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इसमें 9 भी स्टिच बन गए हैं। देखिए 9 भी स्टिच बन गए हैं और इधर की साइड भी 9 भी स्टिच डालना है।
9 बनेंगे इधर की साइड भी। तो देखिए बनाते हैं इधर की साइड भी। देखिए 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में डालना है बी स्टिच। तो 1 चेन और देखिए यहाँ पर डालना है वी स्टिच। 1 चेन लेने के बाद 2 की चेन और इसी तरह से डबल क्रोशिया डालना है सेम स्टिच में। देखिए इस तरह से मैंने ये वी स्टिच यहाँ पर डाल दिया है जैसे मैंने इधर डाला था। आगे भी इसी तरह से वी स्टिच डालने हैं। वी स्टिच डालना है देखिए इस तरह से वी स्टिच डालते हैं 2 की चेन और सेम स्टिच डालना है। ये बन गया है वी स्टिच। देखिए बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन डालना। इसी तरह से हम ये डिज़ाइन डालते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये वी स्टिच डाल दिए हैं। देखिए इसमें भी हो गए हैं पूरे 9 वी स्टिच। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर इसको जोड़ना है 1 चेन और इस तरह से इसको जोड़ देना है। यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है इसको। अब मैं स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को इस तरह से बढ़ाऊंगी। देखिए इस तरह से आगे को बढ़ाना है स्लिप स्टिच लेते हुए। देखिए गला हमारा इस तरह से आ गया है पोंचो का। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से आ गया है ये गला। 9 बी स्टिच इधर है और 9 बी स्टिच इधर है और बीच में है ये 6 डबल क्रोशिया। एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा। दोनों तरफ आएंगे ये बैक और फ्रंट में। अब देखिए मैं आगे को बुनती हूँ। आगे को बुनना है। देखिए आगे को बुनना है। ये जो मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाया है और इस तरह से फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी। ये देखिए 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और टोटल हो गए हैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। ये चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया भी ये हो गए हैं। फिर 2 की चेन बनानी है और डालना है 3 डबल क्रोशिया 2 और एक ये 3। देखिए यहाँ पर हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। नीचे भी 6 डबल क्रोशिया ऊपर भी और आगे तक यहाँ ये 6 डबल क्रोशिया ही चलेंगे। सेंटर में यहाँ पर बैक में और फ्रंट में भी 6 डबल क्रोशिया आगे तक डालने हैं बुनने हैं। अब देखिए मैं 1 चेन लूंगी यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है यहाँ पर। तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डालना है बी स्टिच में 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया डालना है 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर आगे भी स्टिच में भी 5 डबल क्रोशिया डालने हैं 1 2 3 4 5। देखिए
और फिर से 5 डबल क्रोशिया डालने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए वी स्टिच में 5 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया और फिर से डालना है 5 डबल क्रोशिया वी स्टिच के अंदर। पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ 5 डबल क्रोशिया डालकर, फिर आगे को बुनती हूँ बताती हूँ। देखिए मैंने 5 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए मैं यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। अब सिंगल क्रोशिया डालने के बाद 1 की मैं चेन लूँगी और फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया डालने हैं, 1, 2, 3 फिर 2 की चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। देखिए ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया। अब मैं 1 चेन लूँगी और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है यहाँ पर। देख अब सिंगल क्रोशिया डालने के बाद मैं इसमें बी स्टिच में 5 डबल क्रोशिया डालूंगी। 5 डबल क्रोशिया डालना है, 2, 3, 4 और एक ये 5। देखिए फिर से 5 डबल क्रोशिया बी स्टिच के अंदर, 2, 3, 4 और एक ये 5। देखिए यहाँ दोनों तरफ मैंने सिंगल क्रोशिया लिया है और यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया लिया है। बाकी जगह मैंने ये भी स्टिच में डाले हैं 5 डबल क्रोशिया। जैसे मैंने इधर डाले हैं ये 5 डबल क्रोशिया भी स्टिच में, इधर की साइड भी मैं इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया डालूंगी और रो को यहाँ तक मैं कंप्लीट करूंगी, फिर ये रो कंप्लीट हो जाएगी 5 डबल क्रोशिया डालते हुए वी स्टिच के अंदर। देखिए 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ये डाल दिए हैं वी स्टिच में। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी यहाँ पर इस तरह से, मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिया है यहाँ पर। फिर मैं 1 चेन लूंगी इस तरह से और 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ज्वाइन करना है इसको, जोड़ देना है किस तरह से। अभी आ गया है, अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी इस तरह से। देखिए अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है इस तरह से, ये आ गई है। देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा वी स्टिच और वी स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशिया। देखिए ये बैक से देखिए मैं इसमें ये पिंक कलर लगाती हूँ, पिंक कलर लगाना है। अब देखिए से लगाना है इसको, वन टू
3 की चेन और डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया टोटल हो गए हैं ये 3 की चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने इसमें ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए फिर मैं ये वन चेन लूंगी, मैंने ये वन चेन ले ली है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाली थी यहाँ पर वी स्टिच डालना है, देखिए वी स्टिच बनाना है यहाँ पर, नया वी स्टिच हम बनाएंगे पोंचों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चौड़ाई में बढ़ाने के लिए। और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया डालना है, देखिए वी स्टिच को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी मैं वी स्टिच डालूंगी यहाँ पर, 5 डबल क्रोशिया है इसके, बीच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर मैं वी स्टिच डालूंगी, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ भी वी स्टिच बनाना है यहाँ पर, देखिए 2 की चेन और फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया डालना है, बनाना है वी स्टिच, देखिए। इसी तरह से रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है, वी स्टिच डालते हुए बीच में डालना है डबल क्रोशिया के। देखिए अब मैंने यहाँ तक ये वी स्टिच डाल दिए हैं, वी स्टिच डाल दिए हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर मैं वी स्टिच बनाऊंगी, इंक्रीज करना है वी स्टिच को, देखिए इस तरह से इंक्रीज करना है यहाँ पर वी स्टिच डालकर, 2 की चेन, देखिए यहाँ पर मैंने नया वी स्टिच डाल दिया है। अब वन चेन और फिर यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 की चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बी स्टिच को भी मैंने यहाँ इंक्रीज कर दिया है। देखिए फिर से मैं वन चेन लूँगी इस तरह से और यहाँ पर मैं वी स्टिच डालूँगी, वी स्टिच को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, देखिए इस तरह से वन चेन, 1 2 की चेन और फिर से इसी में ही डालना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने वे स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, देखिए दोनों जगह मैंने ये इंक्रीज कर दिया है वे स्टिच को। यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा 6 डबल क्रोशिया और इधर वाले वे स्टिच को बढ़ाने के बाद, देखिए यहाँ पर इसी तरह से वे स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। फाइव डबल क्रोशिया के जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर वी स्टिच डालना है, बहुत ईजी है ये डिज़ाइन, आसानी से डल जाएगा यहाँ पर वी स्टिच। देखिए इस तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। अब
देखिए दूसरी साइड आ गई है ये वाली। अब यहाँ पर भी मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया डाली थी यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। अब वन चेन, अब देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी मैं, यहाँ पर इनको जोड़ देना है। देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। देखिए जोड़ दिया है मैंने, यहाँ पर भी स्टिच बढ़ गया है, यहाँ पर भी और इधर की साइड भी और यहाँ पर भी। मैंने अब इसमें 4 वी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, 2 इधर है, 2 फ्रंट, 2 बैक, इस तरह से मैंने 4 वी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। अब इसमें ये 22 वी स्टिच हो गए हैं। पहले 18 वी स्टिच थे, पहले 18 वी स्टिच थे, अब 18 में 4 बढ़ गए हैं, टोटल हो गए हैं ये 22 वी स्टिच। 22 वी स्टिच अब इसमें ये हो गए हैं। इसी तरह से ये वी स्टिच आगे को बढ़ते जाएंगे और पोंचो भी आगे को बढ़ता जाएगा। अब देखिए मैं स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी इस तरह से। देखिए आगे को मैंने इसे बढ़ा दिया है। देखिए मैं 3 की चेन बनाऊंगी, ये मैंने 3 की चेन बना ली है और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब देखिए फिर मैं 1 चेन लूंगी यहाँ पर और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी यहाँ पर। देखिए वी स्टिच डालने के लिए ये मैं सिंगल क्रोशिया यहाँ पर मैं डालती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाली थी तो यहाँ पर मैंने वी स्टिच बनाया, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तो मैं सेकेंड रो में यहाँ पर मैं वी स्टिच बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल दी है। अब देखिए मैं बी स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशिया डालूंगी, 5 डबल क्रोशिया डालना है, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए और फिर से बी स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशिया डालना है, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट करूँगी मैं, यहाँ तक करना है, फिर मैं यहाँ पर बुनना बताऊँगी किस तरह से बनाते हैं। 2, 3 और एक ये 4 और एक ये 5, इसमें मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया ले लिया है, बी स्टिच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया डाला है। अब देखिए 1 चेन लेना है और डालना है 6 डबल क्रोशिया, 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और डालना है 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए मैं 1 चेन लूँगी और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी, यहाँ पर ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। देखिए बी स्टिच यहाँ पर बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया डालूँगी, 2, 3, 4 और एक ये 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए 5 डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी, फिर मैं यहाँ पर आपको